बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम बॉटनी का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये ओल्ड पेपर 2023 का है, जो कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रजू भैया विश्वविद्यालय में 2023 सत्र में आयोजित हुआ था। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस सत्र का एग्ज़ाम लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, उन सभी के लिए ये क्लास खासकर महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो रिपीटेड हैं, जो हर बार पूछे जाते हैं, और इस सत्र के यानी 2024 और 25 सत्र के लिए खासकर महत्वपूर्ण होंगे। नई शिक्षा नीति के आधार पर जो बॉटनी का पेपर टाइटल है वो है इकोनॉमिक बॉटनी एथेनोम एडिसिन एंड साइटोकेमिस्ट्री। ये आपका पेपर टाइटल है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, अगर आपकी परीक्षा लिखित पैटर्न पर होनी है तो ये क्वेश्चन पेपर आपको बहुत हेल्प देगा आपके आगामी एग्जाम में। तो चलिए आज की इस क्लास को हम डिस्कस करते हैं। ओके, समय देखते हैं, 2 घंटे का आप दिया जा रहा है और 2 घंटे में आपको 75 मार्क्स आपका पेपर जो 100 नंबर का है, ये 75 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होता है, जिसमें 25 मार्क्स और ऐड होते हैं आपके प्रैक्टिकल और मिड टर्म से। फिलहाल थ्योरी का जो पेपर होगा वो 75 मार्क्स यानी 75 नंबर का ही आयोजित होगा। सेक्शन ए के प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं सेक्शन ए में, अति लघुत्रीय प्रश्न जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। और 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय का है, तो यहाँ पर 3 प्रश्न केवल पूछे गए हैं। बाकी अगर आप वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय से हैं, अवध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हैं, या फिर आजमगढ़ विश्वविद्यालय से हैं, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय से हैं, तो आप सब में 10 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइम में मिलेगा। लेकिन प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, यहाँ पर आपको लगभग 3 से 4 की संख्या वेरी शॉर्ट में रहती है। चलिए फिलहाल हम प्रश्नों की चर्चा करें। तो पहला प्रश्न है, राइट द बोटेनिकल नेम ऑफ 6 स्पेसीज। यहाँ पर दिया गया किन्हीं छः मसालों का आपको वनस्पतिक नाम देना है। 100% यहीं पर आप इसको नोट कर लीजिएगा, मसालों के वनस्पतिक नाम बोटेनिकल नाम लिखने के लिए आएगा। अब मसाले में काली मिर्च सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी हो जाती है, काली मिर्च ये आपका पहला मसाला हो गया। दूसरा हो जाएगा दालचीनी का बोटेनिकल नेम में दूसरा हो गया। तीसरा अगर मसाला ध्यान दें तो तीसरे मसाले की श्रेणी में आ जाती है हल्दी। चौथा अगर हम ध्यान दें तो चौथे में आपका क्या आ जाएगा, चौथा मसाला जो आ जाता है वो मिर्च आ जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो मसाले हैं लगभग 6 मसाले के बोटेनिकल नाम आपको तैयार करना होगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में हर बार ये रिपीट होता है ये प्रश्न। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, व्हाट डू यू मीन बाय आयुष, आयुष से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न यानी कि जो बी नंबर प्रश्न है, ये भी 100% आल विश्वविद्यालय में आया हुआ है। अभी मैं आपको 2 से 3 विश्वविद्यालय के और क्वेश्चन पेपर 2023 सत्र के सॉल्व कराऊंगा, यानी कि आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। वहां पर आपने आपको ये देखने को मिलेगा कि आयुष का टर्म लगभग आया हुआ है, चाहे सेक्शन बी में या फिर सेक्शन सी में। फिलहाल यहाँ पर वेरी शॉर्ट टाइम में पूछा गया है, लेकिन आपको ये प्रश्न इस बार सेक्शन बी में देखने को मिलेगा, आपको 10 नंबर के लिए पूछा जाएगा ये प्रश्न, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा, 3 स्टार से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और कई बार ये 2021 सत्र से लेकर के दोस्तों 2023 सत्र तक के हर विश्वविद्यालय में पूछा जाने वाला प्रश्न रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन है सी नंबर, डिफाइन द फार्मेकोजेनेसिस, फार्मेकोजेनेसिस को परिभाषित कीजिए। तो फार्मेकोजेनेसिस का टॉपिक भी इस बार रिपीटेड होने वाला है, तो इम्पॉर्टेंट है, रज्जू भैया विश्वविद्यालय के लिए खासकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द, यहाँ पर दिया गया है कि ऑर्गेनोलेप्टिक एबुलेशन ऑफ ड्रग्स, दवाओं के ऑर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। फिलहाल ये रिपीटेड प्रश्न नहीं है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अगला प्रश्न है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ई नंबर, व्हाट इज कॉपीराइट, 100% आल विश्वविद्यालय में कॉपीराइट का प्रश्न आएगा, जो कि आपके IPR से संबंधित है, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और यहाँ पर मैंने वेरी शॉर्ट टाइम में 3 प्रश्न बता दिए हैं जो 100% आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। पहला आपका हो जाएगा कॉपीराइट का, दूसरा इसमें आपका आ जाता है फार्मेकोजेनेसिस, तीसरा इसमें है आयुष
और जो सबसे पहला और लास्ट प्रश्न इसमें बताया था वो बॉटनिकल नेम पूछा गया था। तो ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस रहे हैं। अब हम यहाँ पर सेक्शन बी के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। खंड बा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, अब शॉर्ट आंसर टाइप में देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट टाइप में चार, यहाँ पर चार क्वेश्चंस आपको कैरी करने हैं, चार क्वेश्चंस के उत्तर आपको लिखने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 9 नंबर का है, यानी कि 36 नंबर का ये सेक्शन है। बाकी विश्वविद्यालय में, कुछ विश्वविद्यालय में 30 और कुछ विश्वविद्यालय में 35 नंबर का ये बी वाला सेक्शन रहता है। 200 शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना रहता है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग एडल्ट्रेशन, दवाओं के मिलावट के प्रकार का वर्णन कीजिए। फिलहाल दवा के मिलावट में जो उनके प्रकार होते हैं वो मुझे शायद केवल यही क्वेश्चन, यही यूनिवर्सिटी ऐसी है जो इस क्वेश्चन को पूछी है, लेकिन ड्रग डिस्कवरी से क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये पहला प्रश्न रिपीटेड नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये रिपीटेड मान के मत चलिएगा। फिलहाल आपको समय आपके पास है, अगर आपके पास नोट्स है तो एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि डिस्कस द मेजर फंक्शन ऑफ NMPB। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है NMPB। NMPB क्या होता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, किसी को इसका आंसर पता है तो। NMPB क्या होता है और इसके प्रमुख कार्य यहाँ पर पूछ। NMPB का मतलब क्या होता है? नेशनल, एन फॉर नेशनल, एम फॉर मेडिसिनल और पी फॉर प्लांट और बी फॉर बोर्ड। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड इसे क्या कहते हैं, NMPB के नाम से जानते हैं। तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का जो वर्क है वो क्या है वो आपको बताना है। 100% नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार रिपीट होने वाला है, पूछा जाने वाला है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों NMPB। अगला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन TIAFAC। बहुत ही इंपॉर्टेंट है TIAFAC, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरेस्ट कास्टिंग एंड असाइनमेंट काउंसिल। ओके, इसको हिंदी में कहते हैं TIFAC को हिंदी में कहते हैं प्रौद्योगिकी सूचना एवं पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद, जिसे TIFAC के नाम से जाना जाता है। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये सी वाला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ इसमें पूछ लिया जाता है WTO क्या होता है, WIPO क्या है, ठीक है। WIPO WTO मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने आपको ये बता रखा है, तो ये तो महत्वपूर्ण ही है। NMPB और TIFAC मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक सिस्टम। हाइड्रोपोनिक सिस्टम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आल विश्वविद्यालय में रिपीट होता है, चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय से हो। डिस्कस द माफ कीजिएगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, इसके फायदे और इसके नुकसान बताइए। देखिए हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे उगाए जाते हैं बिना मिट्टी के, यानी कि मिट्टी नहीं होती है फिर भी पौधे उगाए जाते हैं, उनको जो उनके जड़ों को या पौधों को जो पोषक तत्व मिलते हैं वो पानी के फव्वारे की विधि से प्राप्त, यानी कि दिया जाता है। बिना मिट्टी के पेड़ पौधे जो उगाए जाते हैं उसको हाइड्रोपोनिक सिस्टम कहा जाता है, और इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में फिलहाल हम डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हाइड्रोपोनिक्स। 100% आपके एग्ज़ाम में आएगा, 10 नंबर आपको ये प्रश्न दे के जाएगा, इस बार आने वाला है सभी विश्वविद्यालय में, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वोलेटाइल ऑयल्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के वाष्पशील तेलों का वर्णन कीजिए। इसेंटियल ऑयल एंड नॉन इसेंटियल ऑयल पूछ लिया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर पूछे क्या गए हैं, वाष्पशील तेल पूछे गए हैं। तो वाष्पशील तेल क्या होते हैं और इनके प्रकार, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन हो जाता है। फिलहाल रिपीट तो नहीं हुआ है, इसेंटियल ऑयल पूछे गए हैं, तो इसको भी आप ध्यान दे लीजिएगा एक बार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैं उन्हीं क्वेश्चंस को इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ जो 100% रिपीटेड है, जो पूछे जा रहे हैं। ओके, तो ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों को नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द डीमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, यानी कि फसलों के वर्चस्व डीमेस्टिकेशन का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर
फसलों के वर्चस्व जिसे डोमेस्टिकेशन का नाम दिया गया है इसका वर्णन करना है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है राइट ए शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए, तो इसको एक बार आप सर से निगाह से देख लीजिएगा। फिलहाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार इसको हो सकता है रिपीट हो जाए प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राजीव भैया विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था डिस्क्राइब द मेडिसिनल एक्सेप्ट ऑफ एनी थ्री कॉमन प्लांट यूज बाई ट्रीबर्स, यानी कि जनजातियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले किन्हीं तीन पौधों के औषधीय गुण का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, BBIP क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप तैयार कर लीजिएगा भाई। जनजातियों द्वारा प्रयोग में जो लाए जाने वाले किन्हीं तीन प्रकार के जो औषधि पौधे हैं उनके औषधीय गुण क्या हैं उनको आपको यहाँ पर बताना है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमने सेक्शन बी के प्रश्नों को यहाँ पर चर्चा किया, अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी के प्रश्नों में, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको दो क्वेश्चंस कैरी करने हैं, यानी कि दो क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है, और ईच सब क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, यानी 15 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, 30 नंबर का ये सेक्शन आपका है सेक्शन सी, और इसमें शब्द सीमा आपका हो जाता है दोस्तों 500 शब्द। अब पहला प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पूछ ही लिया गया है, मैंने आप लोग को मॉडल पेपर जो प्रोवाइड किया था उसमें ये बताया था डिस्क्राइब द बेबीलोई सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट क्रॉप प्लांट, बेबीलोई के फसलीय पौधों के विविधता के केंद्रों का वर्णन कीजिए। बेबीलोई सेंटर ऑफ ओरिजिन पूछा जाता है, कई बार रिपीट हुआ है और पिछली बार लगभग सब विश्वविद्यालय इसको पूछती थी, क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सो ये आपका ट्रिपल स्टार से मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है राइट ए एंड एसे ऑन IPR जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी IPR पर आपको एक एसे लिखना है, बौद्धिक संपदा अधिकार पर एक निबंध लिखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। और IPR में आपसे ट्रेडमार्क से क्वेश्चन आता है, ट्रेडमार्क क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी से प्रश्न इसमें बन जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपसे पूछ लिया था कॉपीराइट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो IPR के टॉपिक को आपको यहाँ पर ढंग से तैयार करना है। बाकी जो मैं यहाँ पर रिपीटेड प्रश्न है वो बता रहा हूँ, आगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सोल्यूशन लेकर के आऊँगा, वहाँ पर और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एक्टिव एंड द इनर्ट कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ ड्रग, मेंशन एनी 5 इंपॉर्टेंट ड्रग्स प्लांट, दवाओं के सक्रिय और निष्क्रिय घटक क्या हैं, ये आपको बताना है। किन्हीं 5 औषधीय पौधों की यहाँ पर वर्णन आपको करना है। औषधीय पौधों में तुलसी का पौधा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है, एलोवेरा आपका दूसरे नंबर पे आ जाता है, हल्दी और अदरक ये सभी औषधीय गुण उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल 5 पौधों देना है, 5 पौधों के नाम, और जब भी आप मसाले और औषधीय गुण वाले पौधों के नाम तैयार करें तो बोटेनिकल नेम एक बार ज़रूर आप ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि पूछा जरूर जाएगा, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है डिस्कस एन अकाउंट ऑफ द फाइब्रिक यील्डिंग प्लांट, रेशे प्रदान करने वाले पौधों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए, ये प्रश्न पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टिम्बर यील्डिंग और फाइबर यील्डिंग, तो हो सकता है इस बार यहाँ पर फाइबर यील्डिंग पूछा गया, तो टिम्बर यील्डिंग प्लांट आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स आप जरूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राजीव भैया विश्वविद्यालय में बहुत सारे प्रश्नों को मैंने बताया जो रिपीटेड हैं, और उनको मैंने आपको ट्रिपल स्टार से बताया है कि ये आपके एग्ज़ाम में इस बार आने वाले हैं। तो ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो लगभग सभी विश्वविद्यालय में कॉमन रहे हैं और हर बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो जो आपके आगामी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण थे उनको मैंने बताया, जो नहीं महत्वपूर्ण है उनको मैंने नहीं बताया, उनको मैंने बता दिया कि हाँ इसको आप छोड़ दीजिएगा। तो एक बार दोबारा से इस क्लास को आप देख लीजिएगा, इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा, फिलहाल PDF में भी मैं टिक लगा के आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी, और इसका सॉल्व पेपर भी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं आप सबसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।